शहर के पथरचपड़ी रोड स्थित एक निजी आवास में झारखंड फुटबॉल संघ की देखरेख में देवघर जिला फुटबॉल संघ का गठन किया गया। प्रवेक्षक के रूप में झारखंड फुटबॉल संघ के उपाध्यक्ष सह सीनियर मैनेजर स्पोर्ट्स सेल बोकारो सुभाष रजक उपस्थित हुए। देवघर जिला के दोनों अनुमंडल से खेल प्रेमी और खिलाड़ी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उपस्थित खेल प्रेमी और खिलाड़ियों ने गर्मजोशी के साथ प्रवेक्षक का स्वागत बुके देकर किया। विधिवत तरीके से कमेटी का गठन किया गया। युवा पीढ़ी के हाथों जिला फुटबॉल संघ का दायित्व दिया गया। अध्यक्ष पद के लिए विद्रोह मित्रा को तथा कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए रविंद्रनाथ हेम्ब्रम को मनोनीत किया गया। उपाध्यक्ष पद के लिए आलोक बोस, उमेश प्रसाद राय, रामचंद्र झा को मनोनीत किया गया। सचिव पद के लिए विष्णु टुड्डू को तथा सहायक सचिव के लिए अनिकेत बेशरा तथा विद्युत मुर्मू को मनोनीत किया गया। कोषाध्यक्ष पद के लिए राजेश्वरिन को मनोनीत किया गया। कार्यकारिणी से शुभेंदु कर्मकार, मंगल मरांडी, नमिता टुड्डू को मनोनीत किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि कमेटी झारखंड फुटबॉल संघ के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्य करेंगी। लीग अंडर 19 कैंप, अंतर जिला प्रतियोगिता तथा रेफरी एसोसिएशन के गठन के लिए बहुत जल्द ही एक बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाएगा। नई कमेटी का गठन करना बहुत ही अच्छे माहौल में, बहुत ही खुशनुमा माहौल में सर्वसम्मति से कमेटी का गठन किया गया। इस आशा के साथ कि देवघर जिला में हम जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का कार्यक्रम हो, चाहे झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का कार्यक्रम हो, वो सभी कार्यक्रम को ये पूरी कमेटी काफी तन्मयता के साथ और काफी एकजुटता के साथ पूरा करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ आए और मतलब यही है कि हम लोग अच्छा फुटबॉल झारखंड फुटबॉल का विकास करें और तो तेजी लाए। हम लोग देवघर जिला फुटबॉल एसोसिएशन का एक कमेटी गठन करने के लिए बुलाए थे। बहुत दिनों से एक विडंबना चल रही थी झारखंड में कि ये सच है वो गलत है। अंततः गत्वा झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन हेडेड बाय गुलाम रब्बानी साहेब के नेतृत्व में 27 मई 2022 को धनबाद में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के तत्वावधान में झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का कमेटी को गठन किया गया। इस कमेटी की मान्यता अखिल भारतीय फुटबॉल संघ से प्राप्त हो चुका है। अब एक ही संस्था इस पूरे झारखंड में, इस पूरे 2800 जिले में काम करेगी, जिसका नेतृत्व करेंगे गुलाम रब्बानी महोदय। हम लोग जो हर जिले के कमेटी के लोग हैं, हम लोग झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन का जो प्लानिंग एंड जो प्रोग्राम वगैरह है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो लीग के रूप में हो, चाहे वो कैंप के रूप में हो। रेफरी एसोसिएशन का गठन भी हम लोग करेंगे। वो सारा प्रोग्राम हम लोग झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के लीडरशिप में, उनके गाइडलाइन में करेंगे। उसी के लिए आज DFA देवघर का एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें देवघर के लोग भी हैं, जसीडी के लोग भी हैं, सारा पालाजोरी के लोग भी हैं, माने सातों प्रखंड के रिप्रेजेंटेटिव हमारे इस कमेटी में है। हम लोग एक अच्छी सोच, एक अच्छी पहल, एक अच्छा उद्देश्य को लेकर के अब हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद देंगे हम ऑब्जर्वर हमारे जो आए हैं सुभाष रसिक जी को अपना बहुमूल्य समय दे करके। आपको पता है कि 4 घंटा वहां से लगता है बोकारो से आने में, और फिर यहाँ से बेचारे 4 घंटा जाएंगे। सिर्फ DFA देवघर का फॉर्मेशन करने के लिए एक अच्छी सोच लेकर के इनको झारखंड फुटबॉल भेजा और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कमेटी का गठन किया। इसके लिए सारे लोगों को हम धन्यवाद देंगे जो दूर दूर से आए हुए हैं। धन्यवाद।